प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन पास हो चुका है, लेकिन डीएमसी ने यह कहा अंकित को जानते लिए बगैर नहीं करेगा। नहीं गया तो बताओ कितने नगर निगम पानीपत की आज फिर से मीटिंग हुई। मीटिंग में फिर आज से जो पहले वाले मामले थे यानी कि भ्रष्टाचार के मामले फिर से उछले। अंकित नाम का एक कर्मचारी था, उसे देखकर दुष्यंत भट्ट जो सीनियर डिप्टी मेयर है वो भड़क गया और उसके बाद मेयर ने अपना गुस्सा पूरा उतारा। जैसे ही मेयर बोलने लगी तो पूरा सदन अंकित के खिलाफ हो गया। क्या मामला था वो आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं अंकित के ऊपर क्या आरोप लगे थे। आप ये वीडियो देखिए और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि एनडीसी के ऊपर जो मामला चल रहा है, एनडीसी को लेकर जो लोग दुखी हो रहे हैं वो भी वीडियो आप इसके बाद देखिए। जब रविंद्र जो हुड्डा से आते हैं, वार्ड 10 के पार्षद हैं, जब एनडीसी का जो मामला चला था कि एनडीसी को लेकर लोग दुखी हो रहे हैं, तब उन्होंने एक कागज़ दिखाया, एक एक्ट दिखाया। उस एक्ट में ये चीज़ लिखी हुई थी जैसा कि रविंद्र बता रहे थे कि इस एक्ट के रहते हुए एनडीसी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, रजिस्ट्री वैसे ही हो सकती है। कमिश्नर के पास ये मामला पहुँचा। इन दोनों मामले को देखिए, भ्रष्टाचार का भी मामला उछला और उसके बाद विधायक प्रमोद विज की बात करेंगे। विधायक प्रमोद विज ने सदन में भी अपनी कुछ बातें रखी, उस बातों पर क्या इम्प्लीमेंट हुआ, वैशो पानीपत पर एक्सक्लूसिव उनका इंटरव्यू भी दिखाएंगे, उन्होंने क्या बातचीत बोली। इस पूरे सदन की कार्रवाई जो है आपको शुरू से लेकर एंड तक दिखाते हैं। पूरी वीडियो देखिए कैसे कैसे सदन की शुरुआत हुई, कौन अधिकारी बोला अंकित के खिलाफ, दुष्यंत भट्ट और पूरा सदन जो है खिलाफ हुए और विधायक प्रमोद विज इस सारे मामले को लेकर क्या बोले, देखिए पूरी वीडियो। तो दोबारा फिर ऐसा ही काम करेंगे, सिर्फ एक गरीब आदमी जो बेचारा लोन लेने आ रहा है पीएमएवाई के तहत, उसको हमने पैसे, इन्होंने कमीशन नहीं दी मिला उनको, तो इन्होंने पैसे नहीं दिए। ये हाउस डिसाइड करेंगे, इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। सर मैंने कहा मार्च के महीने में ज्वाइन किया था, उसके बाद हम अभी तक मैं अच्छी तरह तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो चुका हूँ यहाँ बैठ के। उन्होंने कहा हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना में लोन पास हो चुका है, लेकिन डीएमसी ने यह कहा अंकित को जानते लिए बगैर नहीं करेगा। नहीं गया तो बताओ डिप्टी मेयर साहब, जिन्होंने गलत जुलम किया है इसके अलावा 241 नए केसेस जो बिल्कुल नए केसेस हैं उनकी वेरिफिकेशन।
हमारी तरफ से पूरी हो चुकी है। अगले दो हफ्ते के अंदर अंदर हम इन सभी की शिकायत लेंगे। इनमें से 27 से 29 केसेस लार्ड हो रहे हैं, इनकी वेरीफाई हमारे प्रोवाइडर साहब ने कर दी थी। ये जो PMKY के अंदर जो स्टाफ है, पहला जब मैंने इनको महीना पहले बुलाया, इनको यही पता था कि इनके पास काम क्या है। पब्लिक आपकी परेशानियों में चली जाती, इनको कोई मरवा नहीं। इनका ये पेन अंकित, इसको चार्ज दिया गया था और ये एक महीने की छुट्टी पे चला गया, इसको कोविड हो गया था और पीछे से इसके नीचे वाले अधिकारी लगा रहे, इनको नहीं पता उनके ऊपर वाला नहीं है तो उनको कुछ काम करना ही नहीं आया। तीसरी बात, जब हमने इनको बुलाकर मैंने साथ रविंदर के साथ बैठे हमारे ऑफिस में, हमने इनको लगातार बुलाया रोज की आज पुस्तक कहाँ तक पहुंचा, आज पुस्तक कहाँ तक पहुंचा, मतलब इतने लोग बहाने, मतलब इतने बहाने की ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज ये नहीं है। क्या हरियाणा में किसी भी कॉर्पोरेशन और कमेटी के अंदर जो भी मैटर निकला है ये सब बिल्डिंग का, इससे टेबल करे आ गए नंबर वन प्लीज मैं पूछूं मेरे यहां बात जो कर रही है क्या इसके अलावा तो एक करे आगे मुझे बता दो आप, मैं फिर बात करते हूं नंबर वन। नंबर टू, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन किसी व्यक्ति की वजह से हो ही नहीं है तो फिर कॉर्पोरेशन माने की जरूरत क्या, उसको रहने दो तो वैसे सीधा दाग माते करवा लो, ये नहीं रुपा उसके बावजूद भी आपका निकल गया मेरे पास उसका है कि मेरे साथ रविंद्र पाटिल जी करेंगे, मैंने कहा नंबर गेंद को पता नहीं और उपाय क्या उपाया, मैं हाउस के बीच में बोल रहा हूँ सर के बीच में बोल रहा हूँ और मैं ये नहीं कह रहा कि बात छुपाने वाले कुछ और बात है, अगर मुझे किसी चीज में नहीं पता उसको भी मालूम होगा कि मुझे नहीं पता या मेरे अरे अंदर के किसी लोगों को नहीं पता, इनकम कर सकती है बहुत लंबा प्रोसेस है बहुत लंबी बात है। तो इन सारी परिस्थितियों में हम लोग यही सब चीजों का काम रहा है। अब रही बात उसकी जो जितने भी सिग्नेचर होते हैं उन सिग्नेचर का हाल तो देखो मेरे ख्याल से तो धीरे धीरे हो रहा है, उन सिग्नेचर का हाल तो इस प्रकार से रहेगा कि अब तक पूरी जाते के साथ हमारे मेरे हेल्प को काउंटर लगेगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तीसरे चौथे में और मेरे ख्याल से हमारी कोशिश रहेगी उसके मैंने अंदर सेटल कर देंगे। ठीक है जी बढ़िया, पानीपत विधानसभा के लिए वाटर सप्लाई और रेत डाल के रेत के लिए और जो शहर में पुराने जीवन है खास में पुराना शहर इसके अंदर लगभग 72 करोड़ की DPR बनी थी लेकिन हरियाणा रिवाइज हो गए हैं तो उसके अंदर चाहिए योजना 100 करोड़ के लगभग की है जिसके माने मुख्यमंत्री ने अप्रूवल दे दी है, बहुत जल्दी ये फंड फाइल बना लेंगे और इसमें जैसे आप पार्षद के अपने अपने वार्ड में जाएंगे जहाँ समस्या उसका हल आप आएंगे। स्कीम नंबर 63 को जल्दी प्रोसीड करिए, सब बहुत पास कर चुका है, लोगों को मकान मिलेगी जैसे भी आप लोगों ने निर्णय लिया हुआ है उसका,
लेकिन इस स्कीम को जितनी जल्दी हो सके यूएसबी में चंडीगढ़ से कंप्यूट करवाने की कोशिश करिए। अगर वहाँ हमारी मदद की जो है बताइए हम क्या लेकर आऊंगा। लेकिन वार्ड नंबर 11 के अंदर स्कीम नंबर 63 जल्दी से जल्दी हमारी आ जाए और जो लाइट सेंटर और मार्केट है स्टोनी रोड पे उसका ब्रांच ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, अप्रूव हो चुकी है। मैंने यूएसबी को पता किया था इस पर भी काफी जल्दी की जाए ताकि इसको काम पे शुरू किया जाए और एक ऑडिटोरियम इसको जल्दी करिए क्योंकि इसकी ब्रांच जब प्रूव हो गई सब हो गया। सीएम अनाउंसमेंट है 7 करोड़ के लगभग और क्या नाम अरे शेड्यूल रेट है वो बढ़ जाएगी थोड़ी सी तो उसको ये 3 योजनाएं बहुत जरूरी है। और लास्ट में एक मेरी आपसे प्रार्थना और बैठा हुआ है माता गौरव के लिए मुझे जाना चाहिए शहर बहुत परेशान है वो लोग और जहाँ बैठे हैं वो स्थान उचित नहीं है वहां से आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और इसके लिए जो जगह हमने एलोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं किले के नीचे जो वाटर वर्क्स है वहां पे मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने डिपार्टमेंट को लगाइए जितनी जल्दी हो सके उस जगह को फाइनल करिए और उसके इस्तेमाल हम माता गौरव को बिठाने के लिए 200-300 माता गौरव बैठ सकते हैं और शहर से सुविधाजनक है वहां एरिया और आगे पांच आपका सहमत है कि वहां आती है वहां आती है तो इसको जल्दी करवा दीजिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना लास्ट में मेरी आपसे प्रार्थना है कि शहर में लाइटें लगा दो जी बहुत देर हो गई है लाइटें लूटे लगा दो। आपने हाउस में पास किए थे 4 अंडरपास रेलवे के वो अप्रूव हो गया है रेलवे से हमें बजट भी आ गया उनका लगभग 21 करोड़ रुपए के लगभग बजट है और वो लेटर मेरे पास आ गया था कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था प्रिंसिपल जी ने हाथ कर दी है और वही जब मैंने पिछले बार फोन किया था तो एक लेटर यहाँ से चला भी है कारपोरेशन से एक लेटर यूएसबी को चला गया फंड की रिक्वायरमेंट के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ एक हफ्ते के अंदर अंदर 21 करोड़ के फंड भी चारों जो हमारे अंडर पास है ताकि कॉलोनियों में आने वाले लोग जो शहर में जी रोड कर उनको सुविधाजनक बनेगा ये मैंने काम पूरा हो गया है। सबसे बड़ी बात आज भी ये सामने आई कि विधायक वहाँ लाचार होते दिखे जहाँ पर उन्होंने खुद कहा कि अब तो लाइटें लगवा दो शहर में यानी कि 1 साल की जो वारंटी है वो खत्म होती जा रही है और विधायक यहाँ तक लाचार होते नजर आए कमिश्नर को कहते नजर आए कि कम से कम अब लाइटें जो हैं शहर में लगा दी जाए। लेकिन हालांकि उसमें ज़्यादा जो सदन है कुछ नहीं बोला लेकिन ये भी बात जो सामने की विधायक को इस बात को लेकर बार बार कमिश्नर को या मेयर को कहना पड़े तो ये काफ़ी शर्मिंदगी का जो मामला है कि शहर के एक विधायक बार बार लाइटों को लेकर बोल रहे लेकिन लाइटें जो हैं आज तक नहीं लगी। इस पूरी वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। वर्षों से विश्वसनीय इस ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। करियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। करियर एसी 100% कॉपर कॉइल। करियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।